हेलो, वेलकम टू टेक्निकल गेमिंग। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्पाइडरमैन PS4। तो शुरू करते हैं। तो आज के हमने गेम में, और आप लोगों को याद होगा, आप पिछले गेम प्ले में हम ढूंढ रहे थे डॉक्टर ऑक्टेवियस का सीक्रेट बेस, जो कि मुझे मिल भी गया था। पर माउस ने हमारे लिए ट्रैप बिछा रखा था और वो मुझे बम से उड़ाने वाला था। खैर, उससे तो मैं बच गया क्योंकि मैं सही टाइम पर वापस निकल आया। पर उसी वक्त मुझ पर हमला कर दिया वल्चर ने और मुझे वो लेकर गया अपने एरिया में, जहाँ पर इलेक्ट्रो मेरा पहले से इंतजार कर रहा था। और उन दोनों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, पर हम हीरो हैं, हम हारते नहीं हैं। तो मैंने उन दोनों का वहीं पर मुंह तोड़ दिया और हमारा पिछला गेम प्ले वहीं पर ख़त्म हो गया। खैर, वो सब हो गए पिछले गेम प्ले थे। अब हम दोबारा से निकल चुके हैं नई खोज में। तो चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला मिशन क्या है। तो चलो, हम अपने नए मिशन पर आ चुके हैं और शायद अपन यहाँ पर आए हैं स्कॉर्पियन की खोज में, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो भैया, सिक्स सेंस खराब हो गया क्या इसका? अभी पीछे देखना अंधे। पता ही जहरीला हो गया स्कॉर्पियन, बाहर तक जहर फैल रहा है इसका। Octavius is paying and he wants to torture you, which I respect. Damn it. What did he inject? तो चलो, हमारे अंदर कोई भयानक जहर इंजेक्ट करके चले गए हैं स्कॉर्पियन भैया, जिसका बदला हम बाद में कभी ना कभी तो लेंगे ही। ये क्या, मेरी पूरी दुनिया ही हरी करके चला गया है वो। चलो, हम नशे में बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर, जो कि 200 कुछ मीटर दूर है। तो मैं स्विंग करते हुए निकल चलता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे मज़े से जाते हुए। तो हम आ चुके हैं अपने अड्डे पर। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है, तो भैया थोड़ा लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो देखते काफ़ी लोग हैं पर लाइक बहुत कम आते हैं मेरे। ये भी करना है। तो चलो, मैं फटाफट सब स्टोन्स मिला लेता हूँ अपने और बढ़ते हैं फटाफट आगे। तो चलो, हमने अपना काम निपटा लिया है यहाँ पर। मेरे सब्सटेंस हो गए हैं आइडेंटिफाइड, तो शायद मेरा नशा थोड़ा कम हो जाए। तो मुझे फिर बढ़ना है आगे, 600 मीटर दूर है। तो हम दोबारा से स्विंग करते हुए, कुछ बातें करते हुए निकल पड़ेंगे आगे। अरे क्या धुआं धुआं कर दिया पूरा हरा, मेरी ज़िंदगी कते रंगीन बना दी इसने। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कूदते कूदते इस पानी में गिर जाऊँ तो मेरा क्या होगा, बट हम ट्राई कर नहीं सकते और शायद मैं कर लूँ आगे, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने नए अड्डे पर। यहाँ मुझे क्या करना है? तो ठीक है, शायद यहाँ पर हम नॉर्मल हो जाएं। हाँ, तो मुझे सही लग रहा था, तो मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। हम चलकर देखते हैं बाहर क्या है। और ये मैं लैब में कैसे पहुँच गया अचानक? शायद, पता नहीं, शायद मैं नशे में था मुझे। अच्छा, तो ये मेरे ऊपर काला जादू करके गया है, मुझे पता लग चुका है। आजा बुड्ढे, इधर आजा भाई, एक जगह खड़ा हो ले शांति से। My obsessions were always there, but the interface allowed me to fully embrace them. ये लोग काले जादू क्यों कर रहे हैं? Fix you somehow. Peter, always trying to shoulder the responsibility. मुझे यही करना पड़ेगा क्या? 2000 years later. अरे अंकल रुक जाओ एक जगह, मुझे सालों हो गए तुम्हारा पीछा करते करते, कब तक रुकोगे भाई? और ये कौन सा पौधा है? मतलब मैं घंटों के बाद इसके पास पहुंचा और मुझे इसने गड्ढे में बस यही देखना बाकी था। गड्ढे में पहुंचाओगे कि मैं जिंदगी भर घिरता ही रहूंगा? वो तो अपन आ चुके हैं। चलो, कम से कम मेरी लैंडिंग करा दी इन्होंने सुरक्षित। अब मुझे 1400 मीटर दूर जाना है। चलो फटाफट बढ़ लेते हैं हम। तो चलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पर नए, और ये स्कॉर्पियन ने अपने एनाकोंडा भी निकाल दिए थे यहाँ पर। तो चलो, हम दोबारा से शायद नॉर्मल हो चुके हैं। अब बाहर निकल के देखते हैं हम पर क्या पागलपन किया जा रहा है ये। और मैं दोबारा से लैब में, क्या सारी जगह गुफाओं के रास्ते इसकी लैब में ही आते हैं क्या? बस मुझे दोबारा वो बुढ़ा ना। चलो, मेरी बात कोई नहीं मानता है।
बुड्ढे इस बार एक जगह रुक जाइयो। तेरी ऐसी कितने मैं गायब हो जाता बुड्ढा ये। वो कहाँ उड़ रहा है शक्तिमान। ओहो ये कुछ ज़्यादा ही मैंने अच्छी स्विंग कर दी या शायद वो नॉर्मल हर। अंकल जी रुक जाओ कहाँ जा रहे हो मेरे को रास्ता तो दो। अब रुक जाना बुड्ढे एक जगह। भाई सब मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर। तो चलो मुझे पता चल गया अब हम कूदते हैं और मैं पहुँच गया। बुड्ढे रुक जा। कसम से यार मुझे ये मिशन सबसे ज़्यादा बेकार लग रहा है। मतलब मैं कम से दौड़े जा रहा हूँ। भैया तुम्हारी टांगों में कितनी गर्मी है यार। रुक जाओ थोड़ी देर। मतलब तुम टांगों में क्या यार तुम तो कब से उड़े ही जा रहे हो। मैं ही पागल हुआ जा रहा हूँ। चलो फाइनली किसी जगह तो हम पहुंचे। मतलब एंड में मुझे ये तोड़कर कहीं ना कहीं भेज देते हैं। भाई गिरा भी ले जमीन पर। चलो हम आ गए। मुझे फिर जाना होगा कहीं दूर दूर वादियों में निकल लेते हैं हम। चलो यार स्कॉर्पियन तू तो बात करी मत। एक तो मेरी जिंदगी हरी संगीन कर दी इसने यार। ये देखो एनाकोंडा पाल रखे हैं इसने। भाई एनाकोंडा मूवी देख के आया था क्या भाई। खैर ये सब हटाओ हम फटाफट निकलते हैं मिशन पर। चलो अब हम असल में अपनी लैब में आ गए हैं। ये शायद लैब ही है। गेट तो उसी का लग रहा है। और अब मैं शायद नॉर्मल हूँ यार। ये सब मुझे पागल कर देंगे। सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। आजा बेटा तेरी टांगे ना तोड़ दी ना तो मेरे से कहना। तेरी ऐसी की तैसी इस बार तो मैं मार के रहूँगा। और मेरे को मत मार दियो भाई। देखो मेरी ये तुमसे कोई खासी दुश्मनी है नहीं। बस तुम मुँह तुड़वा लो तो ओ बच गया। रुक साले ऐसी की वो ये फिर छोड़ी। यार ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये दोबारा घूम के आएगा। ये निकल गया। बस मैं पहुंच जाऊं। हाँ मैं मरा नहीं हूँ। ठीक है ये क्या 5-6 स्कॉर्पियन देगा क्या। ये चीज़ें मुझे कतई पसंद नहीं आ रही हैं। तेरी मैं मशीनें ना तोड़ दूं। यार ये 2-3 स्कॉर्पियन कहाँ से आ गए। अच्छा ये शायद एक बार में मर रहे हैं। तू भी आ जा। ये पीछे से कौन। चलो वैसे मुझे कम से कम इस फाइट में कुछ तो मजा आ ही रहा है। कम से कम मैं लड़ तो सकता हूँ इसमें। आ जा छोटे। अबे ये कहाँ से आ गया मोटा। आ जा तू भी आ जा। तू अकेला बचना। यार दो और हैं। आ जाओ। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। वो जहर क्यों मार रहा है। यार ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है भाई। कम से कम सामने से आओ। चल मरा ना। मर गया मर गया। बस अब कोई उड़ा के ना आ जाए। चलो कम से कम मुझे चीजें मिल गई जिसे मैं छू सकता हूँ। और ये क्या हरकत है। ये 18 प्लस बना रहे हैं भाई गेम। ये सब नहीं चलेगा। हाँ अब ठीक है।
Go ahead and forget that ever happened. तो चलो पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है हमें। चल खुल जा। ओके तो हम आ चुके हैं बाहर और अब देखते हैं हमें अगला मिशन कहाँ मिलता है और क्या करना है हमें। मिशन की ओर तो हम बढ़ लेते हैं फटाफट मिशन की ओर। तो चलो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मिशन में और मैं आ गया हूँ फीस्ट। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। पहले हम अपना फूड चेंज कर लें। तो चलो आखिरकार हम आ चुके हैं फीस्ट के अंदर और ये बुढ़िया काम करवा रही है किससे। ओह पीटर, इट इज सो गुड टू सी यू। हाउ आर यू? हेल्दी? आई एम गुड। हाउ आर यू होल्डिंग अप? गुड बट बिजी। ओह लेट मी गो। अरे तुम रुक जाओ, तुम्हारी हालत ऐसे भी गड़बड़ है, क्या पता बुढ़ापे में निकल लो। I'm okay. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Where's Miles? Could he help out? Oh, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि मुझे माइल्स से बनकर खेलना पड़ेगा। Come on, Miles, answer. Don't make me worry about you and May. हाँ तो मैं सही था, पीटर पार्कर का पता नहीं पर मेरे सिक्स सेंस हमेशा काम करते हैं। चलो हम माइस बनकर ही खेल लेते हैं। वैसे ये लड़का भी तगड़ा है, कुछ कह नहीं सकते, PS5 में यही है तो इसके अंदर कुछ तो खूबियाँ होंगी। मुझे चलने दो भाई, बस मार मत देना मुझे। तो हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है और हम दूसरा भी कर चुके हैं। उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था, मुझे किसी चीज में ये कुछ तो करना होगा। चलो वो खैर चला ही गया। बस मैं पकड़ा ना जाऊं। ओ मैं बच गया, चलो ठीक है। This can stop right now. Give it more supplies over there. Need to get past these guys. इनको हथियार किसने दे दिया? अभी तक तो ये बिना हथियार के थे। और मुझे पकड़ के मार मत देना भाई प्लीज। वैसे मुझे अंधेरे में छुप जाना चाहिए तो मुझे लगता है। जाओ जाओ उसका पीछा करो, मैं इधर से भागता हूँ। ओह मुझे पहुंचा दो भगवान। बच गया मैं, बच गया। उसने मुझे देख ही लिया था। अबे इतने आग के अंधे कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं जस्ट पीछे से निकल गया उसके। अबे एक ही क्यों ले जा रहा है, दो चार और ले जा। ओ भैया Gentlemen,
स्कॉर्पियन नहीं है, अब मुझे लगता है मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, पर माइल्स बनकर तो मैं नहीं लड़ सकता। कसम से एलईडी लगा रखी इसने अपने डंक में। यार मैं दो चार और रख लूं क्या? ओ उठा लिए सब। आज बेटा तू मेरे तरह है, चला भैया राइनो को चेक करने मत भेजो यार, ये तो उन तबाही कर देगा पूरी। मुझे भागना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे कौन चेक करते हैं, चेक करने से ज़्यादा तो बर्बाद ही कर दो तुम। चलो हम घुसते हैं फटाफट गुफा में, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है हमको। अबे भैया मुझे मारना मत, ठीक है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से चुपचाप। उधर तो जाना बेवकूफ़ी होगी मुझे लगता है, इस पर ही चढ़ के फान देते हैं। अबे यार इधर भी आ गया ये, ये मुझे ख़त्म करके ही मानेगा। अंकल देखो मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, मुझे चले जाने दो यहाँ से। वो तेरी भैया मुझे छोड़ दे भाई, कसम से भाई इस वक्त माइल्स का पता नहीं पर मेरी फटके चार हुई पड़ी है। अबे राइनो भैया इधर ना आ जाना, ये तो अच्छा हुआ अकेला राइनो ही ढूंढ रहा है, कहीं स्कॉर्पियन होता वो तो। चलो फटाफट इसमें कूद पड़ते हैं हम। वे ऐसी की तैसी तेरी भाई, मेरा ख़त्म करके ही मानेगा, मुझे हार्ट अटैक दिला देगा आज ये। तो सबसे इतना डर मुझे रेजिडेंट एविल खेलते समय नहीं लग रहा था जितना इस एपिसोड में लग रहा है। अरे भैया आराम से कर लो ना, इतना क्यों डर रहे हो, मतलब डरा रहे हो, सॉरी। चलो मैं फटाफट भागता हूँ भैया, इससे जान का खतरा, मुझे एक्टिवेट करना होगा वरना मैं निकल सकता हूँ ऐसे। आओगे? अरे इसकी ऐसी की तैसी। चल भाई मुझे निकल जाने दे चुपचाप। मैं भाग जाता हूँ, चलो मैं सही टाइम पर निकल चुका हूँ। ये मुझे मार के ही मानता वरना। तो ये हाथी है भैया, छोटा हल्क। चलो कम से कम मेरे पास दवाई तो है, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ इससे, दो चार लोगों की जान तो बचा ही लूँगा, शायद एक ही बची मेरे पास। ये देखो मैं बचाओ उसको भाई, कैसा हीरो बनेगा फ्यूचर में तू। ये है कुछ हीरो वाली बात। अबे वो तो भाग गया। बस के स्पाइडरमैन ने ट्रेन किया है तेरी ऐसी की तैसी, मार लियो भाई, बेइज्जती न करा दियो गुरु की। ये बात कथई चौड़ में आ गया भाई लौंडा। ये हाथ में दर्द हो गया। Miles, hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so don't freak out, but I gotta fill you in on some stuff.
तो चलो एक जीत का सहरा और हमारे स्पाइडरमैन के नाम, और देखते हैं अब हमें आगे दुनिया में क्या करना है। तो चलो आज के हम अपने नए मिशन पर, और यहाँ पर मुझे शायद स्कॉर्पियन और राइनो से लड़ने को मिल जाए। हाँ तो शायद मेरा सपना पूरा हो जाएगा राइनो से लड़ने का, और स्कॉर्पियन से भी शायद। भैया तुम उसके साइज के नहीं हो। हाँ उसने भी यही कहा ना, सही देखो। तो चलो हम यहाँ फटाफट मार धार पर उतर आते हैं, और क्या कर रहा है भाई, देख के लड़। मुझे कोई दिक्कत नहीं है राइनो से भी लड़ने में, बस ये मुझे पकड़ ना ले कहीं गलती से। इसका छोटा साथी स्कॉर्पियन कहाँ गया? कम से कम मुझे दो से तो लड़ने का मौका, दो ही जैसा पिछली बार हुआ था। वो मुझे अब खींचना था शायद जब ये नीचे आया। अबे मार देगा क्या भाई मुझे? चल अबे बच गया वो। चलो हम दोबारा ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये तो पहले पकड़ चुका है मुझे। चलो हम दूसरी चीज पे ट्राई करते हैं, आजा। चल इससे तो नहीं बच पाया, कतई मुंह तोड़ने वाली लात। तो मेरी जान का प्यासा क्यों है ये? मैंने कौन सी तेरी औरत छेड़ी है भाई, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा ये? वैसे शायद मैं ही आया था इसके बीच, पर मेरा तो काम है बचाना दुनिया को, तुम भी बचाओ। ये आ गया हमारा जहरीला साथी भाई। ये जहर फेंक के मारता है, गोलियां मारता है, क्या है ये? वो बंदर है कसम से, ये स्कॉर्पियन तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है। वे यार दोनों मिलके मारोगे क्या? मतलब मैंने मजाक में कह दिया कि मुझे दोनों से लड़ना है। मेरी मौत नज़दीक आ चुकी है मुझे लग रहा है, बस मैं बच जाऊं जैसे तैसे करके। यार ख़त्म करके मानो, अरे मैं मर गया। मैं बचाऊं भी भैया, नीचे आके दो दो हाथ कर लो, ऊपर से जहर फेंक कर क्या फ़ायदा भैया? तो आप ही क्या, चला गया। कम से कम किसी ना किसी को तो मैं मार के ही जाऊँगा कि मुझे दुनिया 100 साल तक याद रखे। आ जा तू मोटे इधर आ, मोटे का पता नहीं पर स्कॉर्पियन आ जाएगा। वो देखो मेरे ऊपर जहर क्यों फेंकते हो यार? ये देखो मेरा मुंह क्या कर दिया इसने। आ जा इस बार तो। अबे यार ये बच क्यों जाता है हर बार? इस बार तो मैं, अरे यार ये मैं खींचा क्यों नहीं? कतई स्लोमो में करते हैं ये लोग, तब भी मुझसे नहीं हो रहा है। क्या कर सकते हैं, वी आर नूब, मतलब आई एम नूब। अबे यार ये खींच ही नहीं रहा है मुझसे। बार मेरी गलती नहीं है, वो खींचा नहीं, वो शायद पिछली बार भी यही हो गया था। ओ तुम यहाँ फंसे पड़े हो, कसम से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। जहर फेंक के ख़त्म करके ही मानेगा ये तो। ये राइनो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ वहाँ सिक्सेस काम कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा?
कसम से रंगीन कर देता है मुझे ये जहर आते हैं इसका। स्कॉर्पियन भी दबके मर गया क्या? पर मुझे इसको मार लेने दे थोड़ी देर। अच्छा अगर तुम एक को मार रहे हो तो दूसरा हाथ नहीं लगाएगा उस वक्त। ये चीज़ें सही हैं। तो पत्थर ईंटा सब मार दो मेरे ऊपर। वे तू उधर से यहाँ कैसे आ गया? चलो आखिरकार मेरा काम सफल हो गया, कम से कम मैंने इसमें फंसा लिया इसको। नहीं 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 यार, एक तो मुझे हेल्थ नहीं दिखती इनकी, पता नहीं मुझे कब तक लड़ना पड़े। स्कॉर्पियन का पता नहीं पर राइनो मुझे मारे बिना छोड़ेगा नहीं। ये देखो बंदर, वो तो बिच्छू है, बंदर है। बिच्छू का खेल ना दिखाना मेरे को। ओ मरा आबा, तेरे डंक मैंने हटाओ, रहने दो। जहरीले मानुस, वो मैं बच गया। आओ राइनो, तो तेरा मुंह नहीं टूटेगा ना। ये दे बंदर, मतलब वहां से सीधा उछल के यहाँ पर लंका पहुंच जा भाई तू सीधे। ये तो मर गया कि इसके स्केल डंक टूटा है। अब ये बस राइनो बचा, तू भी आ जा चल। इतनी मरा नहीं अभी तक। जा बे मोटे हाथी, वे दोनों उठ गए। वे भाग रहे, ये लो। चलो मारे कम से कम ये दोनों। तो चलो हमारा ये मिशन भी कंप्लीट हो गया। और अंटी मैं तुम्हारी बातें तो सुनने वाला नहीं, तुम गई भाड़ में, मैं तुम्हें करता हूँ म्यूट। तो चलो भाई लोग फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।